चुप जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हूँ। जैसा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से इस वक्त मजदूर जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है, इस वक्त देखा जाए तो मेरे पीछे मजदूर यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मुतालबा था और वो यहाँ पर किस लिए इकट्ठे हुए हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं तो आपके क्या मुतालबा था, आप क्या कहना चाहते हैं हुकूमत को, क्या पैगाम दे रहे हैं? महंगाई के लिए एहतजाज कर रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, चीनी महंगी है, आटा महंगा है, बिजली महंगी है, हमारी तनख्वाहें बहुत कम हैं, उसमें ये गुजारा नहीं होता, ना बच्चों को तालीम दे सकते हैं, ना रात को बच्चे सो सकते हैं, जुल्म बना हुआ है। अच्छा मुझे बताइएगा, आप कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसके सदबाब कैसे हो सकता है? आप हुकूमत को पैगाम क्या देना चाहेंगे, इस वक्त वफाकी हुकूमत को या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये इलेक्शन कराएँ, नुमाइंदा हुकूमत आए, अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत आए, वो हमारे मसाइल हल करे। हाँ जी बिल्कुल, आप बताइएगा, आप इस एहतजाज में शामिल है तो आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त आटा भी महंगी है, चीनी भी महंगी है, दालें भी महंगी है, रोज़मर्रा की चीज़ और तनखा बहुत कम है, तो आप क्या कहेंगे? हम ये चाहते हैं कि जो गरीब अवाम के हक में जो चीज़ें हैं, अवाम के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जो उनको सस्ता होना चाहिए, ताकि अगर इनके पास से बाहर है तो ये असेंबलियाँ तोड़ें और नए इलेक्शन करवाएं, ताकि वहाँ फिर फैसला करें कि किसको हम अपने कैद लाना चाहते हैं। तो आप क्या समझते हैं, असेंबली तोड़ने से, नए इलेक्शन कराने से फ़ायदा हो सकता है? हो सकता है। अभी ये जैसे पहले ये दावे कर रहे थे कि इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, आप इन्होंने कौन सा किया, इन्होंने डबल कर दिया है, इन्होंने कौन सा फ़ायदा किया? इलेक्शन करवाएँ तो आप क्या चाहते हैं कि मजदूर की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? मजदूर की तनख्वाह महंगाई के लिहाज से तो कम अज़ कम 50 से ऊपर होनी चाहिए, 50-60 हज़ार तक होनी चाहिए मजदूर की तनख्वाह, ठीक है। और मजदूर जो सारा दिन मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, और आखिर में जब बिजली का बिल आता है तो वो सर पड़ के बैठ जाता है, तो कैसे बेचारा अपना खर्चा पूरा करे और किस तरह बच्चों को रोटी खिलाए, ताकि वो फिर बिजली का बिल, गैस का बिल और किराया ही दे सकता है और बच्चे पढ़ा नहीं सकता है, बच्चे को अपने का मुस्तकबिल नहीं बना सकता है वो बच्चे का, अच्छा मुस्तकबिल उसके बच्चे का बन सके। तो ये तो वैसे भी हमारे मुल्क की रूटीन है कि जो गरीब है वो गरीब तार गरीब ही है, तो जो बड़े हैं वो बड़े ही होते जा रहे हैं। ना गरीब खुद अगर नहीं बाहर निकलेंगे, खुद हिम्मत नहीं करेंगे इस हुकूमतों को, तमाम आने वालों को रद्द करें और जो गरीब के हक में बेहतर है उसको चुने, नहीं चुन सकते तो जमहूरियत का नाम ही ख़त्म होना चाहिए, जमहूरियत होनी नहीं चाहिए मुल्क के अंदर। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ पर बातें सुनी, जो इस वक्त मजदूर यहाँ पर सरापा एहतजाज है, उनका यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए, खुदारा को ऐसी पॉलिसी बनाए या नए इलेक्शन कराएं, ताकि ये जो गरीबों को इस वक्त जो महंगाई का जिन जो है बेकाबू है, इसके ऊपर फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। इस वक्त देखा जाए तो तनख्वाहें बहुत कम हैं, बिजली का बिल डबल है, गैस के बिलों की अगर बात करें, आटे की बात